यदि सीता माँ का अपहरण नहीं करता तो वध नहीं होता। उस ससुरा ऐसा ना गलती कर दिया कि सारे रास्ते बंद हो गए थे। समझ में आ गया कि नहीं? बंद हो गए रहते। हर चीज होता है, कुछ ऐसी चीज होते हैं ना जिससे लिमिट क्रॉस कर देंगे तो नहीं होगा। द्रौपदी का जब क्षीर हरण हो रहा था, यदि कर्ण चुपचाप खड़ा नहीं रहता तो कृष्ण भगवान कर्ण को मरने नहीं देते, क्योंकि जब कर्ण का चक्का धंस गया था और उसके ऊपर हमला हो रहा था तो कृष्ण भगवान से कर्ण ने कहा था यही इंसानियत है। तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उसके कपड़े उतारे जा रहे थे, तुम खड़े होकर देख रहे थे, क्या वो इंसानियत थी? जब तुम इंसानियत नहीं दिखाए तो हम क्यों दिखाते हैं? तो हर समय याद रखिएगा, आपकी जीवन की कुछ ऐसी गलती होगी जो आपका प्राण ले लेगी यहाँ पर। इसलिए हमेशा बातों को, चरित्र को हमेशा संभाल के रखिए। कुछ ऐसी गलती मत कर दीजिएगा कि जहां आपको भगवान भी माफ न कर सके, कृष्ण भगवान भी कर्ण को माफ नहीं कर सके, जबकि कर्ण की वध के बाद स्वयं कृष्ण भगवान रो दिए थे और स्वयं कहा था कि जितने ये जो महाभारत में बड़े बड़े योद्धा लड़े हैं ये स्वर्ग में बैठेंगे, लेकिन कर्ण जो है देवताओं के साथ वैकुंठ धाम में बैठेगा। कर्ण बहुत महान था, लेकिन एक गलती लम्हों में खता की थी, सदियों में सजा पाई। तो कुछ गलतियां बहुत खतरनाक हो जाती।